Good afternoon. Thank you, sir. Ajay. And the contact of Peter Ladeva. Now. Pronounce it. Ajay, call it up a little. Very catchy. अभी कौन सा त्यौहार है यार? होली 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 भी एक प्रकार का क्या हुआ त्यौहार का नाम तो होली इज ए काइंड ऑफ नेम एंड एनी नेम इज नॉन एज नाम तो बताओ द होली होता है केवल होली होता है प्रॉपर नाम के साथ दी का इस्तेमाल नहीं बताया था मेरे ख्याल से आपके पास काउंटेबल नाउन के प्रकार बता दिए थे अनकाउंटेबल के प्रकार बता दिए अनकाउंटेबल के अंदर दो टाइप होते हैं पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दिया था और दूसरा होता है मटेरियल नाउन बता दिया था और मटेरियल आपके पास तीन तरह के होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का बता दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास नेम ऑफ फीलिंग नेम ऑफ एक्शन ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यस और नो ओके कुछ कलेक्टिव नाउन होती है आपके पास और कलेक्टिव नाउन के अंदर मैंने मुझे याद आ रहा है चिट्ठियों का और कुछ इस तरह का कुछ बताया था और जो लाइन होती है वो बताया था आर्मी और जो गुच्छा होता है जो समूह बन जाता है उसको बोलते हैं स्वार्म अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स अ स्वार्म ऑफ एंट्स अ स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज कुछ इस तरह से ओनली फ्लाइज भी हो या बटरफ्लाइज भी हो मक्खियां या मधुमक्खी शहद मक्खियाँ मधुमक्खियाँ मक्खन मक्खियाँ नहीं होती दर्शन बटर फ्लाई तो एक्चुअली क्या है मैं किसको भी लगे भी पहले तो तेरे को नहीं पता वो अच्छी कैसी नहीं पता अरे इतना एक पूछ रहा था मेरे से बाकी याद रखना अगर मैंने लिख दिया सेवरल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैज बी मर्ज टुगेदर सो एज टू कंप्लीट द कोर्स ठीक है बिल्कुल करंट अफेयर का आपको देख कर सेंटेंस लगा और इसके अंदर बोल दिया जाता है ये क्लास ऑफ स्टूडेंट हैज ए बी सी और डी डी है नो इंप्रूवमेंट अगला है क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स हैज क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स हैव और क्लासेस ऑफ स्टूडेंट हैव So which is the right answer? No improvement. Pareshan. What is the answer? Baat chit shuru karte hain. Haan ji. No improvement. B. B. Backup ke liye isi baat chit karte hain. Pata nahi. Haan ji, kya answer? B. ना पता जी बी आपका आंसर बी हाँ जी वेरी गुड अब सबसे पहला क्लू देखो ये क्या लिखा हुआ है सेवरल सेवरल का मतलब होता है वेरियस वेरियस का मतलब होता है अ लॉट ऑफ का मतलब होता है मैनी यस और नो और मैनी अ लॉट ऑफ सेवरल के साथ चीजें सिमिलर लगेगी या प्लूरल पहली बात कैसी लगेगी क्लासेस सो ये क्या हो जाना चाहिए क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट तो इसका मतलब ये जो पार्ट गलत है इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट की कोई भी संभावना नहीं अब बात आती है कि एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट होता है या बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्लास होती है तो ये स्टूडेंट होना चाहिए या स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स होना चाहिए, इसका मतलब स्टूडेंट नहीं है अगर सी आंसर के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट की, हैज आएगा या हैव आएगा, तो बात स्टूडेंट्स की हो रही है, स्टूडेंट्स की क्लासेस की। तो अगर प्रपोजिशन से पहले प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल, तो सिंगुलर नहीं आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक साथ कई चीजें चेक करनी होती है, शायद ऐसा कुछ कराएंगे क्लास में। ये सुनो, याद नहीं है, बहुत दिन पहले लगी है क्लासेस। इसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं, चैप्टर वही टॉपिक चेंज करते हैं। देयर आर सर्टेन नाउंस व्हिच आर ऑलवेज अनकाउंटेबल इन नेचर। अगर ये अनकाउंटेबल है तो अगर मैं कहूँ वो कौन कौन सी नाउन है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये तीन के ऊपर तो बेशक हमेशा प्रश्न है। उसके अलावा आपके पास बटर, सोप, चौक, फर्नीचर, अगर इनको आपको काउंटेबल में कन्वर्ट भी करना है तो इनसे पहले आप अ पीस ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ बटर, अ पीस ऑफ सॉप, अ पीस ऑफ चॉक, या फिर अ पार्ट ऑफ, अ सेट ऑफ, या अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो पीस, पार्ट या सेट लगाकर आप इनको काउंटेबल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले बिल्कुल समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैंने लिख दिया शी गेव मी, शी गेव मी एन एडवाइस, शी गेव मी एन एडवाइस, तो बताओ ये सेंटेंस अगर यहाँ 1, 2, 3 चिरंदे लगाते हैं, तो बताओ एरर कौन से पार्ट में है। मैंने बोला कि एडवाइस हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल, तो क्या आप मिल्क लिख के ए मिल्क लिख सकते हो, ए दूध, क्या वाटर लिख के ए वाटर लिख सकते हो, ए पानी, नहीं, अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है, सी। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना आ जाए, कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके दिखाइए, तो आप हैड हटा के क्या लिखेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, या तो आप इसको बिल्कुल हटा दीजिए और कुछ भी मत लिखवाइए, शी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। और अगर वो नंबर के ऊपर इंटेंसिफाई कर ही रहा है कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो सलाहों का एक टुकड़ा दिया, तो वो हो जाएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। सो बाय टू वेज यू कैन मेक द सेंटेंस करेक्ट, दो तरीकों से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। द कमांडर हैड इंपार्टेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड innovative news to his fellow soldiers. छोटा सा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए।
body पे रहा है फर्क क्या होता है रिलीज करना वेरी इंपार्ट अपने से अलग करना देना गिव गेट प्रोवाइड के सेंस में एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव न्यूज टू हिज फेलो मैन। अब देखो न्यूज के साथ मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे एंड, जबकि न्यूज अपने आप में क्या होती है अनकाउंटेबल, इसके साथ ए या एन का डायरेक्ट यूज नहीं होगा। नहीं होगा तो ये पार्ट में कौन से पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में एरर। अगर इसको ठीक करना हो तो न्यूज के साथ क्या लगाना चाहिए, अ पीस ऑफ, इसको हटाइए, अ पीस ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव न्यूज, यस और नो? तो कई बार ए और एन और न्यूज की दूरी इतनी कर देगी, सही जाएगा पर भी आपका एरर होगा। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, she ordered a piece of chalk, a pen, a pencil, a rubber, a sharpener, and a saw. No error? Yeah, error. Chaudhary Khan. Error is 321. She ordered a piece of chalk. So, batao chalk ko kin sakte ho? अब टीचर कह देती थी जब कितने लोग मॉनिटर का काम किया हुआ है या मॉनिटर की नौकरी की हुई है स्कूल में, तो उसमें बच्चे को ये कह देते थे जा बेटा एक चौक चौक ले गया, कितनी चौक ले गया, एक चौक ले गया। और हो सकता था बच्चा इंटेलिजेंट होता और नाउन पढ़ रखा होता तो वो एक चौक का मतलब पूरा डब्बा ले आता। तो टीचर कहती है एक डब्बा क्यों लाया चौक, बोले जी आपने कही थी एक चौक लिया और चौक जितनी थी मैं एक पूरी की पूरी चौक लिया। अरे बेटा मैंने एक पीस चौक लाया था, बोले तो बोलना था ना आप पीस ऑफ चौक, यस और नो? तो चौक क्या ये क्या लगा दिया आप पीस ऑफ चौक, यानी ए चौक लिखा हुआ है गलत है, ठीक है आंसर चौक हो जाएगा आप पीस ऑफ चौक। पेन तो गिन सकते हैं एक पेन और पेन, एक पेंसिल मंगाई एक पेंसिल, एक रबड़ मंगाया और एक सोप मंगाई, बताओ रबड़ एक मटेरियल है, रबड़ एक मटेरियल है, क्या मटेरियल को गिना जा सकता है, अ पीस ऑफ रबड़, अ पीस ऑफ रबड़, यस और नो? पेंसिल कोई मटेरियल नहीं है, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट का नाम है जबकि रबड़ एक मटेरियल का नाम है, और मटेरियल को किसी को भी जोड़ना हो तो किससे जोड़ेंगे अगर एक है तो अ पीस ऑफ। अब बताओ सोप, एक सोप मंगाई कढ़ाई से बंदूक पूरी सौंप के सौंप आ गई, सौंप का एक टुकड़ा है, सौंप का एक पीस आएगा, अब पीस ऑफ सौंप। तो ये कॉम्युलेटिव पूरी की पूरी दोनों मिस्टेक कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है। किसी के पास बुक है इंग्लिश? रहने भाई अभी फिलहाल से पर निकाल रहे हो, मेरे याद आए तो रख रहे Thank you.
अगला देखिए, there are certain nouns which are different contextually. There are certain nouns which are different contextually. Context का मतलब होता है संदर्भ. मैं आपके सामने चार वर्ड लिखता हूँ, आपने मुझे चारों वर्ड के मीनिंग बताने हैं. पहला मूव, और ये चारों वर्ड नाउन के फॉर्म में है. पहला मूव, दूसरा है मोशन, तीसरा है मूवमेंट, और चौथा है मोमेंट. पढ़े था मीनिंग ऑफ मूव. मोशन, मोशन भी हिलना डुलना, मूव भी हिलना डुलना, मूवमेंट हिलना डुलना, मोमेंटम हिलना डुलना. इसका मतलब तो चारों शब्द के मीनिंग क्या आ रहे हैं, सेम. अब ऐसे क्वेश्चन नाउन के फॉर्मेशन में क्लोज टेस्ट के अंदर आते हैं. ऐसे क्वेश्चन तो क्लोज टेस्ट करने को तो करा दिया है एक बार खींचा ताने में, लेकिन अब इसको बड़ी बारीक पॉइंट देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. चार सेंटेंस लिख रहा हूँ और इन चारों में से कोई ना कोई एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. कहाँ कौन सा आएगा वो किससे पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट को देखकर पक्का. और फिर इसके हम मीनिंग जनरेट करेंगे कि इनके अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं. अभी तो एक से लग रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर ये आपके पास मोबाइल है, डिक्शनरी है, नेट है, देखते रहिए मेरी सारे सारे क्वेश्चन नेट से. देखते रहो भैया, खुली छूट है आपकी. Yeah.
ओके वाली है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आएगी। अब तो फिलर्स आते हैं पेपर में, ऐसे चार ऑप्शन आ जाते हैं, चारों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा आएगा ये देखना पड़ेगा। चलो एक बार हल्की फुल्की बात कर लो थोड़ी देर, मैं पूछ रहा हूँ पहले। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक डांसिंग, हम से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी की शादी में जाते हैं तो बिना डांस किए नहीं आते, उनको डांस करने के लिए बुलाया जाता है नाचने के लिए बुलाया जाता है, आओ हमारे घर पे आओ नाचो नचनियो। चलो तो जब भी अपन डीआईडी देखते हैं, क्या मतलब डांस इंडिया डांस, तो जब डांस इंडिया डांस देखते हैं तो वहां पर जजेस और ज्यूरी बैठी होती सामने, और वो किसी किसी पर्सन को तो बड़े प्रोत्साहित भी हुआ, हमारे मूव्स बहुत अच्छे सुपर, तुम्हारे मूव्स बेड़े हुए थे, तो इसका मतलब एक मूव जो वहां बोलते हैं तो मूव का मतलब क्या होता है, इसका मूव फॉरवर्ड यानी स्टेप फॉरवर्ड यानी कदम बढ़ाना, सो इसका मतलब कदम होता है, तो एक से ज्यादा कदम को क्या बोल देंगे मूव्स, तो मूव नाउन के तौर पर मीनिंग होता है स्टेप, और इसी का प्लूरल बन जाता है मूव्स, स्टेप मीनिंग देते हैं। दूसरा मोशन जो शब्द है, मोशन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 में what is force pull and push is something is known as force, easy definition, what is motion, circular motion, linear motion, rectilinear motion, promotion, demotion, acceleration, what is motion, gati, gati, durgati, sabhi gati hai, क्लास में थोड़ी देर में कोर्स कर लिया 5:70 70 मिनट। अगर मैं बोलता हूँ मोशन, तो मोशन का मतलब होता है समथिंग इज इन एक्टिव मोड, तो इन समथिंग इज इन एक्टिव स्टेट। मूवमेंट जो शब्द का मतलब होता है, एक तो मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मूवमेंट, और एक होता है मूवमेंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जो चीज है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको भी छोड़ देती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक चीज जो यहाँ है और वो थोड़ी देर यहाँ चली और थोड़ी देर यहाँ गई, तो पेंडुलम क्या करती है वो उसकी मूवमेंट होती है। दूसरा मूवमेंट का मतलब होता है आपका जो फ्रीडम था, जो वो पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन था, वो भी क्या होता है मूवमेंट। सो मूवमेंट का मतलब होता है एजिटेशन, आंदोलन के सेंस में होता है एजुकेशन। और फोर्थ जो वर्ड है वो है मोमेंटम, MOMENTUM, आपके लिए तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता होगा, लेकिन किसी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल भी, और वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा आज। मोमेंटम का मतलब होता है प्रोग्रेस, मोमेंटम का अपना मतलब होता है प्रोग्रेस, तो इसके अपने अपने मतलब जो इंग्लिश के हिसाब से होते हैं, हमने बिल्कुल फिजिक्स नहीं लगाई है, ऐसे मतलब होते हैं ये चार। अब अगर इन चार मतलब को पता है तब तो आप इनको फिक्स कर सकते हो अपनी अपनी पोजीशन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा
The journalists have raised the dash taken by the group of farmers to complain against the ill-disbursement of the damages. So, पहली बात, disbursement का मतलब क्या होता है? Distribution, वितरण और बुरे तरीके से वितरण करना किस चीज का? डैमेजेस का। केवल डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और नुकसान की भरपाई के लिए जो दिया जाता है क्षतिपूर्ति, उसको बोलते हैं डैमेजेस। सो डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। कई बच्चे खतरनाक तरीके से झोल खा जाते हैं कि डैमेजेस का सिनोनिम है क्या कंपनसेशन या एंटोनिम है। सो डैमेजेस इज द स्पेशल वर्ड which is always used as plural, which means compensation. Damage means loss and damages means compensation. So, हमेशा damage का क्या requirement होती है किसानों की? Damages. Damage हुआ है तो उनको क्या चाहिए? Damages. To fulfill the damage, the compensation is required. The compensation is known as damages. Clear? तो जर्नलिस्ट ने praise किया है। क्या praise किया है? कि group of farmers ने जो take किया है, जो कदम लिया है या जो आंदोलन लिया है। आंदोलन लिया नहीं होता, आंदोलन दिया होता है। आंदोलन दिया भी नहीं होता, लिया भी नहीं होता, किया होता है। बहुत बढ़िया बात है, आंदोलन किया, क्रेजी किया। तो इतना ज्ञान तो दे जाएगी भाई, एडवांस चलिए तो आते नहीं, यहाँ पे सीखा करता नहीं कर्म को पड़े। अगर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मूव टेकन बाय। अगर एक कदम उठाया तो मूव, अगर ऑप्शन में मूव है तो मूव की जगह मूव्स भी आ सकता है। सो एनी ऑप्शन कैन बी इंक्लूडेड। यस और नो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द फार्मर्स आर फोर्स्ड टू ऑर्गेनाइज अ नेशन वाइड मूव या नेशन वाइड मूवमेंट। राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे या राष्ट्रीय स्तर का कदम उठाएंगे, और कदम इतना जोर से उठाएंगे कि फिर वो उठ ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मूवमेंट, आंदोलन के सेंस। अगेन द गवर्नमेंट विच हैज डिक्लाइंड द लॉन्ग टर्म इरिगेशन डिमांड, लंबे समय से चली आ रही सिंचाई की जो डिमांड है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, दो आई वाज फार अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यद्यपि हालांकि मैं रेलवे स्टेशन से बहुत दूर था, एंड ऑल्सो आई गॉट लेट टू कैच द ट्रेन, और ट्रेन को पकड़ने में मैं लेट भी हो गया था। इट वॉज इन डैश, आई फाउंड द ट्रेन वॉज इन डैश, ट्रेन चल रही थी। अगर ट्रेन रुकी हुई होती तो ट्रेन वॉज एट रेस्ट, क्या बोलते हैं? एट रेस्ट। और एट रेस्ट का उल्टा क्या होता है? इन मोशन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, आई वॉज एबल टू कैच द ट्रेन बिकॉज द ट्रेन वॉज इन मोशन या एट रेस्ट? एट रेस्ट। So connotation, positive, negative signs are important. Okay, तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन। The Forbes has acclaimed, has के साथ acclaimed आएगा पहले तो मेरी छोटी सी गलती सी है। Acclaimed, has आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, acclaimed। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, Forbes यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल? Forbes नाम Forbes है उसका, पर एस लगने का मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया, वो एक मैगजीन का नाम है। So name of magazine single नाम है, single के लिए क्या रखा? Has, has के साथ acclaim। What is the meaning of acclaim? Claim करना। आज और एक तो था क्या? ये सारे एक से बड़े काम ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, क्लेम, प्रोक्लेम, रिक्लेम, डिक्लेम, एक्सक्लेम, सबका मतलब क्लेम नहीं, क्या चाहिए? केवल क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा करके क्लेम मानना, और वो बार बार क्लेम करते हैं अपना, जल्दी से जल्दी डैमेजेस कब मिलेंगे। द फार्मर क्लेम देयर डैमेजेस। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस समथिंग फॉर्मली, टू अनाउंस समथिंग फॉर्मली। रिक्लेम का मतलब होता है टू, वेरी गुड, दोबारा से डी क्लेम, दोबारा से नहीं करना। डी क्लेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, डी क्लेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, दावा अस्वीकार करना।
और एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर कोई बात जितने भी आपके भाव होते हैं दे आर एक्सक्लेम। नाउन बनाना देख लेना, प्रोक्लेम से जो बनेगा वो बनेगा प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन की स्पेलिंग बताने क्या होगी, बी आर ओ सी एल ए एम ए टी आई ओन, आई नहीं लगेगा, पहले बता रखा है कि नहीं, नहीं। रिक्लेम के अंदर रिक्लेमेशन बनेगा लेकिन इसके साथ भी आई नहीं लगेगा। डिक्लेम के साथ डेक्लामेशन बनेगा, इसके साथ भी आई नहीं लगेगा। और यहीं पर डिक्लेम के दो मतलब हो जाते हैं, पहला होता है क्रिटिसाइज और दूसरा मतलब होता है टू डिस्कस और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। और इसलिए आपके पास स्कूल के अंदर होता था डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन को ही बोलते थे डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन। किस किसने सुना हुआ है, ठीक सुना हुआ है, पार्ट क्लियर हुआ था, एक मिल गया था, सेकेंड आए थे, दो ही बच्चे थे, फर्स्ट आए थे हम, कुछ नहीं किया। अरे और एक्सक्लेम का बन जाएगा एक्सक्लेमेशन। तो सारे के सारे इस पर ध्यान रखेंगे, जब भी ये वर्ब के तौर पर यूज होगी तो ए आई आएगा, जब भी नाउन या एडजेक्टिव के तौर पर होगी एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन बनेगा तो केवल ए आएगा, ए आई पूरा का पूरा नहीं आएगा। और इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफर हो जाती है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेम, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो मैंने मान लिया एक्लेम। तो अगला जो वर्ड आता है वो आता है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना और इसका भी मतलब होता है प्रेज, ग्लोरीफाई, डिग्निफाई। प्रशंसा करना यूलोजाइज, एक्सटोल, ये सारे शब्द। किसी को अगर फिर बहुत मान सम्मान के साथ बोला जाए किसी को तो बोलते वेनरेटी। यू हैव टू वेनरेट योर पेरेंट्स, यू हैव टू वेनरेट योर नीड्स ऑफ द पेरेंट्स। अपोथियो साइंस पढ़ा रखा है, किसी को भगवान के स्तर का मानना, इतना ग्लोरीफाई करना, इतना ग्लोरीफाई करना बिल्कुल हद दर्जे का, उसके ऊपर आप कभी क्वेश्चन ना कर पाए, उसकी सैंक्टिटी के ऊपर, उसकी पवित्रता के ऊपर कभी क्वेश्चन ना कर पाए, इतना ज्यादा सम्मान के साथ पवित्रता के साथ बात करना। This is what we call venerate. और venerate से जो noun बनता है veneration, बोलो veneration। अभी आया CPO के अंदर आया ये वाला। अभी CPO का किसने एग्जाम दिया था 12 से 16 तारीख के बीच, किस किस को ऐसा लगा कि सर पेपर का मैं पढ़ाया हुआ नहीं आया, बहुत बेसिक आया, बहुत बेसिक आया था पेपर, पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत मतलब पढ़ाया हुआ क्या उससे कम कम आया, पहले पेज दूसरे पेज से क्वेश्चन निकले हुए हैं, 10 ईयर में से क्वेश्चन था, नेट से पता लगा मेरे को ये बात। हाँ जी, द फोर्ब्स हैज एक्लेम्ड द डैश ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड प्लेस्ड इट ऑन फोर्थ रैंक दिस टाइम। तो इंडियन इकोनॉमी को उसने चौथे रैंक पे रखा है इस बार और इसकी प्रशंसा की है, इसका मतलब चौथे रैंक पे रखा और प्रशंसा की है, मतलब इकोनॉमी में कुछ अच्छा हुआ है बुरा अच्छा। और इकोनॉमी में बताओ कोई एक्टिव स्टेटमेंट आई होगी, स्ट्रक हुआ होगा, आंदोलन हुआ होगा या प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के लिए आंसर क्या होना चाहिए, मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मोमेंटम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो इफ कॉन्टेक्स्ट आर क्लियर then you are able to solve the sum, the question at once, otherwise they become very hectic, cryptic and cabalistic. इनों का मतलब होता है difficult to understand, difficult to solve. यहाँ देखें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आज हमारे बीच कई दिनों में वशिष्ठ जी आए हैं, कर दूं। तो मैंने होमवर्क के लिए एक वर्ड लिखा है रिक्लेम, 10 सिनोनिम निकाल के लाना रिक्लेम। अब लिखो रिक्लेम, पहले लिखो रिक्लेम, अलग से लिखो नीचे रिक्लेम और 10 डॉट लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताकि घर जाके वो अरे देख
वोकैब सबसे ज्यादा नंबर की आती है लेकिन सबसे कम स्पेस देते हैं हम इसको। कोई बात नहीं, फटाफट करो इसको। वोकैब को बच्चा है ग्रामर से कम स्पेस देता है जबकि नंबर सबसे ज्यादा नंबर की पूछी जाती है। चलिए अगला एक डिफरेंस करते हैं। एक वर्ड लिखा हमने स्पेस, एक वर्ड लिखा हमने प्लेस और एक वर्ड लिखा हमने रूम। तीन वर्ड लिखे मैंने, एक लिखा स्पेस, एक लिखा मैंने प्लेस, एक लिखा मैंने रूम। स्पेस का मतलब ऐसे नहीं बताना, शब्द में बताना जगह, और प्लेस का मतलब स्थान, और रूम का मतलब कमरा। मीनिंगफुल बात करते हैं। चलो इतनी बात सबके समझ में आ गई है। मैं पहले तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद आप। अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ। ये तीनों वर्ड ऑप्शन में आते हैं और तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम याद रखें, लेकिन कौन सा कहाँ यूज होगा ये तब पता लगेगा जब यूज करते जाएंगे। मूड और मकसद अच्छा होना चाहिए बाकी क्लासेस के अंदर। इस क्लास में भी मूड तो ठीक रहता ही है,
मकसद बिगड़ जाता है, मकसद ठीक रहता है मूड बिगड़ जाता है। आइए मूड भी बिगाड़ते हैं और मकसद। मैं शुरू करूँ अपनी बात। अब मेरे को तुझे समझाना है ना इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हल्की फुल्की बात करें पहले। कितना सब कुछ याद रखना ठीक पड़ता है, पहले भारी बात क्या है, फिर हल्की बात क्या है, उससे हल्की बात क्या है, फिर गंदी बात क्या है। ये अच्छी बात नहीं है। गंदी बात, गंदी 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 बात, तो फिर तो मैं इसी क्या था, गंदी 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 गंदी। तो कई बार तो आपके मुंह जुबानी आ रहे होंगे कि ये आंसर आ रहा है, पर क्यों आ रहा है ये नहीं पता। कितना आंसर शुरू के दो मिनट रूम आ रहा है। इस क्वेश्चन को और इन तीन शब्दों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और यूं समझ लो कि ये सारी कुर्सियां लगी हुई है, सारी कुर्सियां, हर कुर्सी के ऊपर तमाम छात्र छात्राएं बैठे हैं और एक बच्चा बड़ी तेजी से भागा भागा आया और देखा। मैंने पूछा कि भाई जा क्यों रहा है। बोले सर स्पेस नहीं है। मैंने कहा कि स्पेस कहाँ नहीं है, ये देख ये स्पेस है। बच्चों की कुर्सियों के नीचे देख, टांगों के बीच में देख, कहीं भी देख, स्पेस है। यस और नो? यस और नो? कहीं पे भी देखो भाई साहब स्पेस देखो, ये भी है, काम नहीं आ रहा है। टॉफियों के छिलके गिरा रखे मास्टरों ने, एक ने तो दिलबाग भी खा रखी आ रहा है इसमें आता रहना इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं रोके मत, पुड़िया खा रखी भाई, ये भी स्पेस है। तो क्या स्पेस बच्चे के बैठने के लिए है? नहीं। स्पेस पूरे के पूरे वर्ल्ड और यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? स्पेस। तो स्पेस का मतलब है पूरा का पूरा भूमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, आकाशमंडल, कमंडल, जितना हो मंडल। क्या कह रहा है? बेड़ी का मंडल। देखो अनुभव तो बोलता है। अगला, इस पूरी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है तो आप भूल जाओ और आप भगवान के पास हो इस समय और आपको वहां लोकेट किया जाना है, तो भगवान आपको स्पेस में भेजेगा या किसी जगह पर भेजेगा? किसी जगह पर भेजेगा। रुक जाए गणेश भगवान। मैं अच्छा भगवान ही नहीं होता जी, भगवान रहते क्या है, ईश्वर सर्व व्यापक है। रुक जाए यार महाराज, पढ़ा लेने दे यार, गुस्सा वुस्सा खाने की कोई बात नहीं है। चुप, मैं बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बता पा रहा, वो जानता है इसलिए बता रहा है। नहीं नहीं मैं ले नहीं रहा हूँ केस। अगला देखो, तो प्लेस जो होता है जब स्पेस के अंदर से यूटिलाइजेशन वाला पार्ट निकाल लिया जाता है तो वो क्या कहता है? प्लेस। तो जितनी भी आपकी सिटी होती है वो एक प्रकार का क्या है? प्लेस। जितने भी आपके राज्य हैं वो क्या है? प्लेस। जितने भी आपके देश हैं वो क्या है? प्लेस। अगर कोई पानी में रहता है तो पानी में भी क्या है? स्पेस। लैंड पे रहता है तो भी वो क्या है? स्पेस। एयर भी है उसके लिए वो क्या है? प्लेस। यस और नो? यूटिलाइजेशन के तौर पर जो स्पेस एक्वायर होता है दैट इज नोन एज प्लेस। तो आप बताओ आपने एक से बारहवीं, एल के जी से ट्वेल्थ तक, मैं कई बार पूछ लेता हूँ बच्चों से
आप में से कितने लोग जीएफ या बीएफ रहे हैं? 11वीं फेल या 12वीं फेल? वो भी स्कूल में रहे होंगे, तो स्कूल भी एक प्रकार का क्या, एक स्थान हुआ। स्कूल के अंदर क्या थे? लाइब्रेरी थी। अच्छी सोच है, लाइब्रेरी थी। और क्या थे? कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब थे, साइंस लैब थी। तो जितनी भी लैब हुई, बायोलॉजी लैब लिखो, उसमें कम काल था एक नरमुंडो का, ताबूत भी था, स्टाफ रूम। आ गया मैं रूम पे, मैं यही सोच रहा था। इसके स्कूल में जामुन के पेड़ भी थे। वाह, तो यूं कहो ना, जामुन के पेड़ स्कूल में थे या स्कूल के ग्राउंड में? स्कूल के ग्राउंड में। तो स्कूल का ग्राउंड भी अपने आप में क्या हुआ? प्लेस। लेकिन बंदरों को बैठने के लिए या बंदर नुमा बच्चों को बैठने के लिए या रिसर्स में छुपने के लिए ग्राउंड काफी नहीं है। उसके लिए जगह करेगा ग्राउंड में जामुन का पेड़। तो वो भी एक जगह है। यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा है? यूटिलाइजेशन का मतलब उसका यूज कहाँ हो रहा है। भाई एक बार सुन ले यार, मिस हो जाएगी बहुत बड़ी बात। छह के छह क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं प्लेस। लेकिन जो प्लेस के अंदर भी एक यूटिलाइज, ऐसे ही टेम्पल, वो भी अपने आप में क्या है? प्लेस। स्कूल के अलावा कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है? प्लेस। लेकिन आपको पता होगा टेम्पल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, उसके अंदर चैम्बर भी बने होते हैं। यानी कि यूटिलाइज्ड स्पेस में भी यूटिलाइजेशन के आधार पर अलग अलग चैम्बर होते हैं। लैब भी एक प्रकार का रूम है, हॉल भी एक प्रकार का रूम है। तो रूम कई प्रकार के होते हैं। हाँ बोलो भाई। डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, लिविंग रूम, स्टोर रूम। देखो आदमी अपने छुपने की जगह जरूर बता रहा है। बेडरूम, बेडरूम, नॉट कंसर्निंग अबाउट द कंपनी नेम। स्टाफ रूम घर में होता है क्या? बेडरूम, बेडरूम, वेरी गुड। And what is living room? Bathroom. आप पहुंच के राइस जा। और मंदिर में कभी सांकल लगाओ या ना लगाओ। सांकल को हिंदी में बोलते कुंडी, शैकल्स, लैश, LATCH, लैश। लेकिन आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ताला लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि इनकी बहु उपयोगी चीज़ें यूनिवर्सिटी में रखी होगी या यूनिवर्सिटी के किसी रूम में? रूम में। तो इसका मतलब जिस प्लेस का अंदर कोई यूटिलाइजेशन वाला पार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? द यूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ एनी स्पेस इज नोन एज रूम। फर्स्ट रूम। समझ में आया या ओयो? ये कह रहा ओयो रूम। मुझे तो पता नहीं होता क्या ये ओयो बोल तो गया। होटल होता है जैसे नॉर्मल होटल से होता है ना, तो ओयो आया है उसके। फॉर व्हाट? सस्ते मिल जाते। हाँ डिस्काउंट मिल जाता मतलब। सिक्योरिटी सिस्टम, उसके अंदर फिर देखता कौन है। अच्छा कमरे में नहीं हो तो वहाँ कोई बम बारूद की फैक्ट्री लगा ले तो रात और रात। चलिए मैं बम और बारूद की बात कर रहा था। तो रूम जो होता है वो भी अपने आप में यूटिलाइजेशन पार्ट होता है, पर किसका? प्लेस का। तो इसका मतलब वो रूम जो लीव रहने के लिए काम आ रहा है, लिविंग रूम, जो रूम स्टोरेज करने के लिए कोई काम आ रहा है, स्टाफ के बैठने के लिए काम आ रहा है,
बेड रखने के लिए काम आ रहा है, बात करने के लिए काम आ रहा है, वॉश करने के लिए काम आ रहा है, ये सारी चीज़ें। बात समझ में आई? रूम का केवल मतलब कक्ष या कमरा नहीं होता, इट इज वन ऑफ द मीनिंग्स, बहुत सारे अर्थों में से कोई एक अर्थ। रूम का दूसरा अर्थ होता है अवसर। आपको स्पेस में कोई अवसर नहीं मिलेगा, आपको प्लेस में कोई अवसर नहीं मिलेगा, आपको अवसर कहाँ जाके मिलेगा? तो अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, तो रूम का दूसरा मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। लिख लीजिए, समझ में आया? वेरी गुड। तो मुझे बताओ, आप गए JWO, जू, JWO, जू, जू का मतलब पशु घर, सॉरी चिड़ियाघर। भाई साहब मैंने बहुत कम ऐसे जू देखे हैं जिसमें चिड़िया हो, बाप चीते होते हैं। जू का मतलब ही होता है एनिमल। हिंदी गलत है ना, इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जूलॉजी भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान, जंतु विज्ञान, वो बहुत बढ़िया। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर आपके पास ये लिखा हो जाए OOLOZY, ओलोजी, तो देखो दो अंडे बने हुए हैं। द स्टडी ऑफ एग्स इज नोन एज ओलोजी। बोलो ना, ओलोजी, ओलोजी। द स्टडी ऑफ एग्स। तो इतनी बात समझ में आई? तो पहली बात, एक GF ने दूसरे BF को कहा, एक 11वीं फैल ने दूसरे 12वीं फैल से कहा, गो अवे फ्रॉम दिस पार्क, आओ इस पार्क से लौट चलें, प्लीज, देर इज नो डैश टू सिट, सिट, बैठने की कोई जगह नहीं है। तो बताओ, स्पेस नहीं है या प्लेस नहीं है या रूम नहीं है? आप अगर स्पेस कह रहे हो तो आपका आंसर गलत है, अगर आप प्लेस कह रहे हो तो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि पार्क अपने आप में प्लेस है और पार्क में बैठने की जगह तो बहुत है, पर बैठने के लिए जो कुर्सियां चेयर है वहां पहले से कुछ जोड़े। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दूसरी बात करूं, समझना चीज को। और इसके इससे ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जो कि CPO में पूछा गया है 2014 में। Yes. तो बताओ, प्लेस, पार्क अपने आप में प्लेस का काम कर रहा है, पर बैठना पार्क में है, पार्क की चेयर्स वगैरह पे बैठना है, तो पार्क के अंदर जो चेयर है वो यूटिलाइजेशन का भी यूटिलाइजेशन का काम कर रही है, तो क्या काम कर रही है? रूम। तो देयर इज नो रूम टू सिट। जो भी यूटिलाइज्ड पार्ट होता है, तो रूम का मतलब केवल कक्ष नहीं होता, उस स्पेस को भी बोलते हैं, जो प्लेस के अंदर का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? रूम। थोड़ी देर बाद क्लास ओवर होगी, मेरे साथ जो जितने बच्चे नीचे चलेंगे एक उदाहरण और दूंगा। द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन वॉज फुल्ली क्राउडेड। आप में से कितने लोग ट्रेन में ट्रेवल करते रहते हैं? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि त्योहार के मौसम पे लोग पैर पर पैर रखकर खड़े होकर भी जाते हैं, जिनकी आरक्षण प्राप्त नहीं होता, रिजर्वेशन ट्रेन वाला? कौन है ये बीच में? कौन बोला बीच में? ये बस पूरी बात बोलो ना। आई वॉन्ट योर, अच्छा है। मैं कह रहा अपने बीच की तो आवाज नहीं है। क्यों हो रहा था ऐसा? पता है पता नहीं क्या मैच हो रही थी।
तो कम लेमडा द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन वॉज फुल्ली क्राउडेड. ट्रेन का जो कंपार्टमेंट, ट्रेन पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? ट्रेन. तो प्लेस का नाम दे दिया क्या था? ट्रेन. ट्रेन के भी अंदर का पार्ट दे दिया कंपार्टमेंट, वो भी एक प्लेस हो गया. पर क्या कंपार्टमेंट के अंदर खड़ा बैठता आदमी है, उसके भी अंदर एक जगह होती है खड़े होने की भी और बैठने की भी. खड़े होने की भी बैठने की भी अलग अलग जगह होती. आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर्म नो डैश टू सिट और इवन स्टैंड. ना तो खड़े होने की ना बैठने की कोई जगह नहीं मिली. तो बताओ प्लेस के अंदर का प्लेस क्या कहलाता है? रूम. तो वो क्या कहलाएगा? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ. द पेरेंट्स मस्ट मेंटेन सम डैश विद द चिल्ड्रन आफ्टर दे स्टार्ट देयर कॉलेज. जब वो बच्चे अपना कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं, ये माँ बाप तो दे मान के चलेंगे पेरेंट्स के लिए नहीं है, चिल्ड्रन के लिए है. तो माँ बाप को अपने बच्चों से थोड़ा थोड़ा बना के रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए. सो मेंटेन के साथ हमेशा क्या होता है? स्पेस. क्या होता है? स्पेस. दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर चार. कल्पना चावला अलोंग विद अदर एस्ट्रोनॉट विजिटेड द डैश. फिर से ये यूनिवर्स घूमने के लिए गए थे, आए नहीं आए अलग बात है. घूम के तो आए थे, मतलब आए नहीं पाए पर घूम गए थे. ठीक से बहुत पीड़ादायक था. आप लोग उस समय कौन कौन सी क्लास में थे? मैं UKG में था. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम बच्चे 4th 5th में होंगे उस टाइम, अगर आपकी एज 24-25 है. इतना ही पुराना है ये इवेंट. यू हैव टू ग्रास्प द डैश विच यू आर एंडाउड विद. आपको अपनी इस ओए एंडाउड विद का मतलब होता है व्हाट यू हैव. बी एंडाउड विद, बी एंडाउड विद का मतलब होता है टू हैव. कोई चीज़ अपने पास होना, किसी चीज़ को पजेस करना, मालिकाना हक होना. टू हैव एन ऑनरशिप ऑफ समथिंग और समवन. तो जो भी तुम्हारे पास है उस चीज को तुम्हें ग्रेस्प करना पड़ेगा. अब आप ग्रेस्प हमेशा क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी. और अपॉर्चुनिटी को स्पेस कहते हैं या प्लेस? रूम. तो ग्रेस्प द रूम, ग्रेस्प द अपॉर्चुनिटी. Yes or no? तो यहाँ पर एक वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी छोड़ के रूम मिले, स्पेस मिले, प्लेस मिले. आप हो गए हैं कुछ नहीं गलत बना रखा है. कमरा क्यों ग्रस करना पड़ेगा? करेंगे क्या? आइए कैसे हैं अमन? देखो अकेले आए हो. अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर है? प्लेस. ऑप्शन ए बी सी और डी. प्लेस, रूम, स्पेस या नन ऑफ द अबव? रूम. वेरी गुड. क्या आएगा? अच्छा तू अब आया है, रूम आएगा. पढ़ा रखा है. सेम क्वेश्चन. अच्छा इसको आंसर याद है, रूम आता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर. ऐसे भी आपके आंसर ठीक जा सकते हैं. 2025 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. मैं तो उसको हाँ बोल रहा हूँ. हाँ जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है. वेरियस. वेरियस का मतलब होता है सेवरल. और सेवरल और वेरियस के साथ नाउन क्या साथ आता है? प्लूरल. ना प्लूरल 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 कोई भी नहीं है. नन ऑफ द अबव. और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्थान हैं जो कि रिलीजियसली और हिस्टोरिकली फेमस हैं. तो वो स्पेस फेमस है, रूम फेमस है या जगह फेमस है? और जगह को प्लेस एक के लिए बोलेंगे अ प्लेस, एक से ज़्यादा हो तो प्लेसेस इज द राइट आंसर. आयो समझ? आयो नवी? आयो आयो
आ रहा है ना समझ में? ठीक है, हल्की फुल्की बात इसलिए कर देता हूँ जिस बच्चे के जैसे जैसे समझ में आए करता जाए, बट ये आपके पास क्वेश्चन रहे। चलो रूम का तीसरा मतलब और बताता हूँ, रुक जाए भाई। फिर मैं बताना क्या आएगा। जे कौन से नंबर पे होता है? दसवें पे। ए कौन, एफ कौन से पे होता है? छठे पे। एम कौन से पे होता है? तेरहवें पे। बताओ इस हिसाब से क्या आएगा। रिफ्रेशमेंट दे रहा हूँ बस। एफ आना चाहिए ना। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए और लॉजिक ना लग रहा हो तुरंत लगाओ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। और अच्छी बात बताओ, ये क्वेश्चन HPSC हिमाचल प्रदेश का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है स्टेट का, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन था डैश एंड डैश, तो ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था पिछले साल। ठीक है, सो डोंट थिंक लाइक क्लर्क, थिंक लाइक अ UPSC एस्पिरेंट, बी स्मार्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे भी हो लर्निंग मेमोरी लर्निंग टेक्नोलॉजी लेके आओ। और इसी रूम का एक और मतलब होता है, द पीपल प्रेजेंट इन अ रूम, एक ही कक्ष में जितने भी लोग मीटिंग के लिए एक साथ मौजूद हैं उन सारे लोगों को भी क्या बोल देते हैं? रूम। और तब ये रूम प्लूरल नाउन का काम करता, खुद रूम्स करने की जरूरत नहीं है। द रूम were intellectual, तो मुझे बताओ इसकी हिंदी क्या बनी? तो कमरा इंटेलेक्चुअल था, तो था होना था तो बोझ लगना था। रूम इंटेलेक्चुअल थे, मतलब रूम में मौजूद लोग इंटेलेक्चुअल थे, तो द रूम इज सिग्निफाइंग द पीपल इन द रूम, people present in the room is known as room, and here in this instance room is acting like a plural noun, and if it is a plural noun then the verb must be plural। हाँ ये समझ में आया, आगे बढ़े। चलो जी noun के अंदर अगली पास एक और बात याद आ गई, मैनेजमेंट ने बोला मेरे पास, बोले सर 2 घंटे की क्लास लगा रहे हैं, और हो सकता है टीचर अगर करप्ट हो तो। एक टीचर 321 में ऐसा भी लड़ाई कर लेता है, यहाँ पे पैर रखो यहाँ पे पैर मत रखो। दो है, तीन चार टीचर, मैंने तो नहीं बोला होगा, पंकज सर भी बोलते हैं। अरे यहाँ क्लास है क्या? आजा आजा ओए। क्या नाम है इसका? डर गया ना? अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। अगर दी के साथ एडजेक्टिव लगा दिया जाए
तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है। और वो प्लूरल क्यों बन जाता है पहले इसका लॉजिक सुन लेना, फिर दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो रिप्रेजेंट करने लगता है इस विशेषता वाले लोगों को, द पीपल हैविंग दैट ट्रेट, उन विशेषताओं वाले लोगों को। और हम जानते हैं कि पीपल अपने आप में सिंगुलर होता है या प्लूरल, प्लूरल, तो द प्लस एडजेक्टिव भी क्या बन जाएगा, प्लूरल। अगर मैंने लिख दिया द प्लस ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हो जाता है ईमानदार लोग। इसका मतलब हो गया द पीपल हु आर ऑनेस्ट, और ये बन गया द ऑनेस्ट, और इसको लिख देते द ऑनेस्ट। सो द ऑनेस्ट मीन द पीपल हु आर ऑनेस्ट, प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। द ऑनेस्ट इज ऑलवेज रिवार्डेड, इस तरह से सेंटेंस आपके पास पेपर में आ जाए, और ये ऑप्शन में ए बी सी डी, ऑनेस्टी इज ऑनेस्ट आर ऑनेस्टी आर या नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ, ईमानदारी को सम्मानित किया जाता है या ईमानदार लोगों को सम्मानित किया जाता है, ईमानदार लोगों को। और ईमानदार लोग कहना है तो ऑनेस्टी रखना पड़ेगा, तो इज आएगा या आर आएगा, आर। आंसर कौन सा सही हो गया, बी, राइट आंसर। तो पुअर लिखा जाए तो इसका मतलब बना गरीब लोग, तो द रिच लिखा जाए तो इसका मतलब क्या बनेगा, अमीर लोग, और द द सिक लिखा जाए तो बीमार लोग, द डेफ लिखा जाए तो बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ भी कह लो इंग्लिश में, गोविंद। द डेफ, तो द डम्प क्या होगा, नहीं नहीं अपना नाम नहीं, डम्प क्या होगा, पागल, बुद्धू, बुद्धू लोग। तो द म्यूट क्या होगा, डेफ एंड डम, डेफ एंड म्यूट, ठीक है, गूंगे बधिर लोग। अब पेपर में क्या आया, द गवर्नमेंट has announced a policy for poor and downtrodden who is living in abject poverty, who is living in abject poverty, downtrodden, दबे कुचले लोग, शोषित, पीड़ित, दलित। अब ये अंडरलाइन करके ऐसे आ गए, ए बी सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, टी ए टू का क्वेश्चन है, निशान लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। पुअर्स एंड द डाउनट्रोडन हु आर, द पुअर एंड द डाउनट्रोडन which are the poor and the downtrodden who are,
बोलो जी बोलो आंसर। हाँ भाई नवनीत कौन आया था तेरा? हाँ सॉरी मैं उठा नहीं पाया, नहीं वो उठा लेती दूसरी क्लास में था। अगला देखो, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ पॉलिसी फॉर पुअर एंड डाउन ट्रोडन। बताओ एडजेक्टिव को एस या ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं? नहीं। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? डी लगा के। तो बताओ ये पुअर्स होगा या द पुअर होगा? तो बताओ डाउन ट्रोडन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डाउन ट्रीड से बना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किसका काम करता है? पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का। तो इसके आगे भी क्या लिखा देंगे? द। तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो द डाउन द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। अब मुझे बताओ एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। द पुअर प्लूरल है, द प्लूरल प्लूरल प्लूरल। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। पक्की बात। दोनों के लिए क्या लगा दिया? हार आर। अब मुझे बताओ डिफरेंस किस चीज किस वर्ड का? विच और हु का? एक में विच एक में हु। नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? विच। और लिविंग के लिए क्या आता है? हु। लिख लेना इस बात को, लिविंग के लिए क्या आता है? हु। नॉन लिविंग, चलो सिक्वेंस वाइज बोल देता हूँ। अभी प्रोनाउन का चैप्टर जब करेंगे अगले महीने, प्रोनाउन के लिए दूसरा टीचर लगा दो पूरा हो जाएगा, मैं आऊँगा तो फिर मैं करा दूँगा। नॉन लिविंग के लिए क्या बताया मैंने? मैं भूल गया, विच। थैंक यू। और लिविंग के लिए क्या आएगा? अब मुझे बताओ द पुअर और द डाउन ट्रोडन का मतलब गरीब चीज या गरीब लोग? गरीब चीज या गरीब लोग? गरीब लोग। और पीपल अपने आप में क्या होते हैं? लिविंग। और लिविंग के लिए क्या लगेगा? हु। आंसर क्या होगा? आया समझ में? थक गए क्या? नहीं ना, और पढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। वो गाली दे रहा हूँ तो बोले कौन है जो ज़्यादा हिम्मत कर रहा पढ़ने की? नहीं नहीं ऐसे नहीं कर लिया, अभी चुनाव आ रहे आपस में कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी आएगा? तुम गरीब लोगों की मदद करते हो, यू हेल्प द पुअर। तुम गरीब लोगों की मदद करते हो, और जिन गरीबों के पास क्लास आने की क्षमता नहीं है उनको आप वीडियो मुहैया कराते हो। और ना केवल ये क्लास की वीडियो मुहैया कराते हैं बल्कि क्लास के बाद की भी जो एक्स्ट्रा सेशन होते हैं संडे को जो हम लेते हैं उसकी भी वीडियो देते हैं। सोच साथ अपलोड कर देता भैया, और बच्चों से फिर डाउनलोड नहीं होती। आइए आइए प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ बैठिए, आपकी क्लास है। आइए आइए प्लीज़। आप आज नहीं आए, कल तो आ गए थे आप दोनों। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस में आ गया, और ऑप्शन ए आया द पुअर इज हेल्प्ड बाय यू। सही है या गलत है? ऑप्शन ए लिखा आया द पुअर इज हेल्प्ड बाय यू। बताओ सही है? No. नहीं। ऑप्शन बी लिखा आया द पुअर वाज हेल्प्ड बाय यू। सही है? तीसरा ऑप्शन लिखा आया द पुअर वर हेल्प्ड बाय यू। ठीक है। और चौथा ऑप्शन लिखा आया द पुअर आर हेल्प्ड बाय यू। सही है। तो पहली बात, अगर द पुअर है तो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। और एक्टिव जिस वॉइस में होता है पैसिव भी उसी तो एक्टिव प्रेजेंट टेंस में, तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में होगा। द पुअर आर हेल्प बाय। तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ यूज होते हैं इस तरह के थ्योरम्स? आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी चीज, पाँच मिनट और। ठीक है, आपकी किसकी क्लास है भाई? 181 की हिस्ट्री। बहुत लंबे समय पर नहीं नहीं मैं तो बैठ ही जाऊंगा,
पर मेरा कोर्स हो लिया उसका गड़बड़ है चले चले इनका बैच हाथ जोड़ के पूरा किया कैसे भी करके इनका मैंने अपनी तरफ से पूरा किया अभी ना हुआ तो होगा भी हैंड केस संज्ञा एवं कारक कारक बड़े संघारक होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयर अब मैं एक बात कहूँ क्या बात कहूँ अगर मैं ये कहूँ सैम्स मदर इज वेरी हम्बल तो बताऊँ मैं किसको हम्बल कह रहा हूँ सैम को हम्बल कह रहा हूँ या सैम की मम्मी को कह रहा हूँ माता जी को कह रहा हूँ माता जी तो क्या मैं इसको मदर यहाँ लाऊं सैम यहाँ लाऊं और बीच में ऑफ लिख दूं तो भी सही है या गलत है मदर ऑफ सैम इज वेरी और मदर क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक मदर है द मदर ऑफ सैम इज वेरी हम्बल तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी ठीक है अरे ओ बंधुआ मजदूर ध्यान से सुनो मैंने लिखा और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है इसका मतलब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगेगा और कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगी जो ये जो कॉमा ऊपर की तरफ खिसक कर साइड में एस लग जाता है इस कॉमा जो ऊपर खिसक जाने के बाद इसको कॉमा नहीं कहते इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है ये और इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ क्या बोलते हैं क्रॉस ऑफ क्रॉस ऑफ का मतलब है जो टर्म यहाँ होगी उसको यहाँ ले आएंगे जो टर्म यहाँ होगी वो यहाँ ले जाएंगे तो क्या बना बीच में क्रॉस और अपोस्ट्रॉफी की जगह क्या लगा देंगे ऑफ ये उसी का चीज दे रहा हूं माय वाइफ्स मदर्स हेल्थ इज नॉट वेल बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है क्यों ठीक नहीं है वेरी गुड टू अपोस्ट्रॉफी कॉन्जिक्यूटिवली कैनॉट बी यूज टूगेदर दो अपोस्ट्रॉफी एक साथ लगातार इस्तेमाल में नहीं आते हैं गलती है अब ये गलती है तो अब इम्प्रूवमेंट में आ जाता है ये क्वेश्चन इसको सही कैसे करें रख कर दो जवाब देगा कौन जवाब देगा आंसर क्या रहा है सी इज द आंसर क्रॉस ऑफ किया तो बात हेल्थ की हो रही है कि हेल्थ अच्छी नहीं है पर किसकी वाइफ की मदर की हेल्थ हेल्थ को यहाँ लो वाइफ मदर को एक ही कंपोनेंट मान लो तो अपोस्ट्रॉफी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ में और क्रॉस ऑफ यानी द हेल्थ ऑफ माय वाइफ मदर
मदर के साथ दोबारा अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, एक होता है मैन और एक होता है वूमैन। मैन का हो तो मेंस और वुमेन का हो तो वुमेन्स, लेकिन मैन का प्लूरल क्या होता है मेन और वुमेन का विमेन, और कई आदमियों का हो तो मेंस, कई वुमेनों का हो तो वुमेन्स, ठीक है जी। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो बताओ कॉलेज स्कूल हॉस्टल लड़कों का या लड़के का? लड़कों का। ऐसे ही कोई महाविद्यालय कोई कॉलेज लड़कियों का या लड़की का? लड़कियों का। तो बताओ कितने कॉलेज की बात हो रही है? एक कॉलेज, पर कॉलेज किन का? तो एक का या बहुत सारों का? तो ए तो आएगा एक कॉलेज के साथ, लेकिन वुमेन्स आएगा। आंसर कौन सा सही है? सी। लेकिन एक होता है गर्ल, एक होता है बवाय। आइए 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 बैठिए। और तो क्या करें आप? मैं कहूँ लड़की का, लड़की की, लड़की के, तो का की के संबंध बहुत कारक होते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। लड़के का, लड़के की, लड़के के, तो ये बॉयज हो गए। अब गर्ल का प्लूरल क्या बनता है? गर्ल्स। बॉय का प्लूरल बॉयज। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, लड़कियों का, लड़कियों की, लड़कियों के, तब क्या बनेगा? अपोस्ट्रोफी एस लगाऊं या केवल एस लिख के अपोस्ट्रोफी लिख दूं? केवल एस लिख के अपोस्ट्रोफी। वेरी गुड। दोज नाउन्स विच आर प्लूरल देमसेल्व्स एंड एंड्स विद एस इट देमसेल्व्स मस्ट अप्लाई ओनली अपोस्ट्रोफी विद देम टू गिव और डेराइव द रिजल्ट ऑफ ऑफ। नो नीड टू एड एक्स्ट्रा एस, इट बिकम एक्सट्रेनियस फॉर इट। Surplus or redundant? Superfluous. Very good. So ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऐसे plural जिनके s से ही plural बनते हैं, दोबारा apostrophe s नहीं आता, केवल apostrophe आएगा। तो अगर यहाँ पर मैं केवल यूँ कह देता girls college, अगला girls college, अगला girls कॉलेज, या फिर अ गर्ल्स कॉलेज, कौन सा राइट आंसर? अगेन वही आंसर है, ठीक है, ठीक है। इसी के ऊपर बाद में बात करेंगे। नाउन के चैप्टर की एक्सरसाइज एक बार देख कर आएं, अगली क्लास में एक्सरसाइज कराएंगे और प्रोनाउन का क्वेश्चन करवाएंगे, प्रोनाउन का चैप्टर करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि आपको इसके बैकअप वैकअप की ज़रूरत ना पड़े। तीन चार नंबरों का काम आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपने यूज़ किया था। प्रो का मतलब होता है प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ,
तो दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज डेफिनेशन हो गई है. अगली क्लास में सवाल करेंगे. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत. भारत माता की.